नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सिटी में। आज हम श्रीनगर के बारे में बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल भी है। यह जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहरों में से एक है और साथ ही यह जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल भी है। यह कश्मीर वैली में झेलम नदी के तट पर स्थित है जो सिंधु की एक सहायक नदी है। काठमांडू के बाद हिमालयाज में सिचुएटेड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है जो इंडिया की 32वीं मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी है। श्रीनगर 1730 मीटर के अल्टीट्यूड पर हार्ट ऑफ कश्मीर वैली में सिचुएटेड है। आइए इसके हिस्ट्री और नेम के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। श्रीनगर का इतिहास एंशियंट टाइम में 30वीं शताब्दी का माना जाता है। श्रीनगर का नाम सबसे पहले कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। कल्हण के अनुसार एंशियंट कश्मीर में कई राजधानियां रही थीं, लेकिन इसमें श्रीनगर सबसे महत्वपूर्ण था। उस समय श्रीनगर श्रीनगरी हुआ करती थी, जिसमें श्री का अर्थ सूर्य और नगरी का अर्थ सिटी था। इसे सिटी ऑफ लक्ष्मी भी कहा जाता था। को और किन किन नामों से जाना जाता है? लैंड ऑफ लेक्स एंड गार्डन, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, वेनिस ऑफ द ईस्ट, कश्मीरी वेनिस। श्रीनगर की डल लेक, डल लेक को ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, जो 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। डल लेक जम्मू कश्मीर की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जो माउंट श्रीधरा के तल पर स्थित है। झील को काजवे के द्वारा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डल लेक पीर पंजाल माउंटेन की बर्फ से ढकी चोटियों को दर्शाती है। कश्मीर की वूलर लेक, वूलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वूलर लेक श्रीनगर के बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। इस लेक के सेंटर में एक आइलैंड है जिसे जाइना लैंग के नाम से जानते हैं। वूलर लेक इंडिया के 26 वेटलैंड्स में से एक है जिसका बेसिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण फॉर्म हुआ है। निगीन लेक और चार चिनार, इसे डल लेक का हिस्सा माना जाता है जो एक नैरो स्ट्रेट के माध्यम से इसे जुड़ा है। चार चिनार श्रीनगर के निगीन लेक में एक आइलैंड है जो चारों तरफ से चिनार ट्री से घिरा हुआ है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद बख्श ने करवाया था। कश्मीर की झीलें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पहला है शिकारा राइड, दूसरा है हाउस बोट। हाउस बोट में नाव के ऊपर ही आपको घर मिलते हैं, इसमें आप रह सकते हैं। घर की सारी फैसिलिटी इसमें आपको नाव के ऊपर ही मिल जाती हैं। फ्लोटिंग मार्केट, इसमें बोट्स का यूज़ करके सब्जियों को बेचा जाता है, फल को बेचा जाता है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाउस बोट के अंदर बैठे रहिए, नाव के माध्यम से ही आपको सारी बेसिक चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी। श्रीनगर के फेमस गार्डन, पहला है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन मुगलों का सबसे बड़ा गार्डन था जिसे मुगल एम्परर जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। शालीमार गार्डन को श्रीनगर का ताज, क्राउन ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे फैज बख्श और फराह बख्श के नाम से भी जाना जाता है। शालीमार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एडोब ऑफ लव, प्यार का ठिकाना। दूसरा है निषाद बाग। निषाद बाग डल लेक के पास सिचुएटेड 12 टेरेस्ट गार्डन है जो मुगलों द्वारा दूसरा बिगेस्ट गार्डन है। इसे गार्डन ऑफ ब्लिस, आनंद का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है। निषाद बाग को 1633 में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करवाया था। तीसरा है चश्मे शाही। चश्मे शाही भी मुगलों का ही गार्डन था जिसे 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश पर अली मर्दा खान ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिको के लिए बनवाया था। चश्मे शाही डल लेक के सामने जबरवार रेंज में है। इसे रूपा भवानी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन एशिया का लार्जेस्ट तुलिप गार्डन है जो श्रीनगर के जबरवान माउंटेन रेंज की फुटहिल्स में है। ये गार्डन 7 टेरेस में फैला हुआ है जिसे मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा ईयरली तुलिप फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है और ये इसे बहुत खास बनाती है। पाँचवा है नेहरू गार्डन। ये एक बॉटेनिकल गार्डन है जिसे 1969 में जवाहरलाल नेहरू की याद में बनवाया गया था। छठवां है बडमवारी गार्डन। इसे कोहेमनान हिल्स के ऊपर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। सातवां है हजरत बल दरगाह। डल लेक के किनारे सिचुएटेड यह कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थान है जिसे मोये मुकद्दास, असरे शरीफ, मदीनात उशानी और दरगाह सारी के रूप में भी जाना जाता है। यह श्रीनगर की एकमात्र गुंबद वाली मस्जिद है। महिलाओं को हजरत बल दरगाह के पहले भाग तक ही जाने की अनुमति है। इसका नाम कश्मीरी भाषा से लिया गया है जहां हजरत का अर्थ पवित्र और बल का अर्थ स्नान होता है। शंकराचार्य मंदिर, भगवान शिव को समर्पित शंकराचार्य मंदिर शंकराचार्य माउंटेन की चोटी पर स्थित है।
जो कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का नाम महान दार्शनिक शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लगभग 10 सेंचुरी पहले श्रीनगर का दौरा किया था और उन्होंने वहाँ जिस शिवलिंग की पूजा की थी वह आज भी शिव मंदिर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। जामिया मस्जिद, नवहट्टा एरिया में स्थित यह मस्जिद 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसके आकर्षण का मुख्य केंद्र देवदार की लकड़ियों से बना इसका 378 पिलर है। इसका निर्माण 1394 में सुल्तान सिकंदर शाह कश्मीरी के द्वारा मीर मोहम्मद हमदान के आदेश के तहत किया गया था। जामिया मस्जिद की आर्किटेक्चरल स्टाइल इंडो सार्सेनिक शैली से प्रेरित है और ये बुद्धिस्ट पगोडाज के समान है। परिमहल, परिमहल जबरवार रेंज के टॉप पर स्थित है, जिसे दारा सिखों के द्वारा बनवाया गया था। इसे होम ऑफ एंजल, परियों का ठिकाना और एडोवा फेरीज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले कभी बुद्ध मठ हुआ करता था। श्रीनगर की कुछ फेमस आइटम्स हैं, पहला ड्राई फ्रूट, दूसरा कश्मीरी चावल, तीसरा कारपेट, चौथा हैंडीक्राफ्ट, पांचवा लोकल फूड और मसाले, छठवां कश्मीरी सॉल। आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।